आने के लिए शरद हर रोज की तरह हमारे साथ खबर गरम है सेगमेंट में जुड़ गए हैं। बताएं शरद, कौन से शेयर्स पर इस वक्त खबर गरम है? जी बिल्कुल, स्टॉक्स बताने के पहले जो है हम पहले एक डिस्क्लेमर दे देते कि हमारी जो बातचीत होती है एनालिस्ट ब्रोकर्स से जो है क्या चल रही है बाजार की डीलिंग बस उसके लेके होती है। और हमने जो कल ही जो है पॉइंट आउट किया था एक स्टॉक HDFC AMC जहाँ पे HNI सेलिंग देखने मिला और आज भी जो है वहाँ पर बिकवाली देखने मिल रही है, तो इस पर ज़रूर आप फोकस रखिएगा। लेकिन आज के स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, सबसे पहला स्टॉक रहने वाला है बलरामपुर चीनी मिल्स, और यहाँ पर जो है थोड़ी फंड बाइंग देखने मिल रही है, डोमेस्टिक साइड से है ये फंड बाइंग। और याद रखिए स्टॉक जो है पिछले 7 सेशन में 6 सेशन में ग्रीन में था, और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ब्रोकर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग और देखने मिल सकती है बजट तक ये रनअप के लिए। और इंपॉर्टेंट बात यह कि जो इथेनॉल थीम है उस पर जो है ज़्यादा फोकस रहने वाला है शुगर स्टॉक्स का, और ओवरऑल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि शुगर अब एक कमोडिटी थीम नहीं एक एनर्जी थीम की तरफ तब्दील हो रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो ब्लेंडिंग होती है करंट लेवल्स लगभग 12% की, और जो टारगेट है वो लगभग आप कह सकते हैं 25% तक है FY25 के एंड तक। अब बलरामपुर चीनी मिल्स के बाद दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा IIFL फाइनेंस, और यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि HNI बाइंग देखने मिल रही है। अगर स्टॉक ट्रैकिंग देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो है पिछले 12 हफ्ते में जो है स्टॉक में मूवमेंट आज देखने मिला था, और वॉल्यूम्स भी बहुत शानदार देखने मिले हैं और लगभग 13 टाइम्स उनके 20-डे एवरेज पर चल रही है। और आज जो है सारे इंपॉर्टेंट DMAs जो 50 DMA 100 DMA 200 DMA सारे लेवल्स को तोड़ा है, और स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। और इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ब्रोकरेजेस जो है उन्होंने अपने टारगेट प्राइजेस भी रेज किए हैं, और एज़ जो उसका जो एवरेज प्राइस है ब्रोकिंग का वो लगभग 629 रुपीज़ प्रति शेयर चल रहा है, और तीसरे तिमाही में भी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे टॉप लाइन नंबर्स आएंगे के बारे में। शरद, इनफैक्ट राजेश से मैं IIFL फाइनेंस पे ही बात करना चाहूँगा। आज 520 का लेवल तोड़ा है, आपको याद होगा निर्मल जैन IIFL फाइनेंस के मैनेजमेंट अभी कुछ महीनों पहले ही ईटन ऑफ स्वदेश पे आके गाइड करके गए 1 लाख करोड़ की लोन बुक, और वहाँ से वन साइडेड IIFL फाइनेंस चलना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसका 6 महीने का 1 साल का ग्राफ लेके आई डेटर साहब, इसलिए आपको यहाँ ईटन ऑफ स्वदेश देखने की ज़रूरत है। यहाँ सबसे रेलिवेंट मैनेजमेंट आएंगे और काम की बात देकर जाएंगे, ताकि ट्रेडर्स तो पैसा बनाएं बट पोजिशनल इन्वेस्टर्स भी पैसा बनाएं। ये देखिए चलना 6 महीने का ग्राफ लेके आइए, ये फ्लैट था, ये 52 हफ्तों का ग्राफ है, 8-9 महीने तक फ्लैट था, 6 महीने में 50% चल गया, ये देखने वाली चीज़ है। लेकिन आज जो वॉल्यूम एक्शन हो रहा है वो दर्शा रहा है कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव हैं, जैसा कि शरद बता रहे थे। राजेश, IIFL फाइनेंस मैंने ले रखा है 320-330 के लेवल्स पे, स्वदेश पे निर्मल जी की कमेंट्री सुन के अब मुझे क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल अजय जी, आपने सही बताया कि इतनी ना स्वदेश के काम की बात ही बताई जाती है, और शो की शुरुआत में आपने फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन पूछी थी और हमने फास्ट ट्रेन सिलेक्ट करी थी। निफ्टी वहां से 70 पॉइंट बढ़ चुका है, अब 18,050 को हम क्रॉस कर चुके। अब बात रही IIFL फाइनेंस की, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से ये वीक में प्राइस एक्शन बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 550-560 की तरफ आते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे भी बाय कर रहे हैं अपनी पोजीशन होल्ड रखें, 496 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट हमें लगता है 550-560 तक आते हुए दिख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये बात आपके बिल्कुल ठीक है कि सर इंडेक्स चला है, ना केवल इंडेक्स चला है बल्कि ये उम्मीद भी जगा रहा है कि शायद इस बार 18,000 के नीचे नहीं जाएगा, 17,800 को और पक्का कर रहा है, नहीं तो हर बार क्लोजिंग की तरफ डर लगता था कि इस बार कहीं 17,800 ना तोड़ जाए। खैर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन मार्केट ने आज क्लोजिंग अच्छी तरफ